www.zee.com. So, firstly, congratulations on bagging the new show. Thank you so much from Tele Chakkar family, because Tele Chakkar is not only like a professional site for me, it's family also. Thank you so much. Finally, main Zee TV ka ek naya show kar rahi hu, Tumhi ho Bandhu Sakha Tumhi, very positive character. Last be intaha mein fans bahut naraaz the ki main extremely negative thi, but this time maine promise kiya tha 2015 mein main positive karungi, and Allah ne meri baat sun li, and I'm playing very positive role. Avni petha wala sarvagun sampan beti apne ghar ki, jabki main mama mami ke saath rehti hu, but unhone sage bachcho jaisa pyar diya hai. Main thoda compromise kar leti hu, but sab chahti hu ki sab khush rahe, sab ek saath rahe. Meri aur Bhushan ki jo Neel hai uske saath kafi achhi bonding hai, emotional bonding, aur meri jo sister hai Mishri uske saath meri Jay Veeru ki bonding hai. So in short, the whole family members are friends with each other. Okay. The family is very big and very sweet. Very big. Name itself says petha wala, itself is so sweet, pethas. So family is sweet. Life, you believe in joint family or you believe in nuclear family? Real life, main nuclear family mein rehti hu, I'm the only child, to mere liye joint family mein rehna is something different, to main seekh rahi hu, pata nahi future mera joint family ho, to mujhe bhai behan bhi nahi hai, to yahan par jab main apne on screen brothers or sisters ke saath rehti hu, I think I really miss that, I don't have a real brother and sister, so yes, it is absolutely different. Jaise ki kaha ki matlab values, cultures aise nahi hai nuclear mein nahi hote hain, but यहाँ इजीली आप अडाप्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपके घर में ही हर एक जनरेशन का इंसान होता है. As you said, you know, the family is very big. So somewhere do you feel the character will get overshadowed? आई थिंक जैसे ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो इज़ फैमिली, द हीरो हीरोइन इज़ फैमिली, तो ऐसा नहीं है, वो फैंस आप वो आपके ऊपर भी है, जो आप पसंद करेंगी वो ट्रैक ज़्यादा चलेगा, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, जिसको आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे अभी इनिशियली सबका इक्वल ही रहेगा, बट देन लेटर ऑन ऑब्वियसली फैंस जिनको लाइक करेंगी तो थोड़ा सा 19-20 होगा. सो आई होप मेरे फैंस मेरा शो देखे 7 PM 11th मई से मंडे टू फ्राइडे, और मुझे इतना लाइक करे, इतना लाइक करेगी कि मेरा कैरेक्टर ओवर शैडो ना हो और हर सीन्स में मैं ही आपको दिखूँ. यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट वॉज कि आई हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स और भी, सो सोलो बेस्ड शो क्या हो जाता है कि सोलो आप एकदम ही फंस जाते हो, तो आई एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट्स ओके, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आप मेन प्रोटैगनिस्ट हो और आप द ओनली कैरेक्टर हो तो ही आप हाईलाइट होगे, ऐसा नहीं. इट्स अबाउट द कैरेक्टर, द ब्रीफ थी, द एंटायर कॉन्सेप्ट था विच वॉज़ रियली डिफरेंट, और मैंने बहुत मेन लीड्स ऐसे सोलो कर लिए हैं, डन 6 शोज, सो दैट वॉज वेरी मोनोटन्स, तो ये कुछ अलग था फॉर मी, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग वेरी नाइस, सो आई हैव पिक्ड अप द शो. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेन लीड जो सोलो की है तो मैं ये नहीं कर सकती. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि ये शो आपने क्यों लिया जहाँ 12 लोगों की फैमिली है, सो यहाँ पर तो मुझे प्रूव करने का ज़्यादा मौका मिलेगा. अगर 12 जन में मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया और कुछ महीनों बाद आप सिर्फ मुझे देखोगे, मतलब आई विल गिव माई बेस्ट एबिलिटी वट एवर आई can do, so that is a challenge for me. You're looking very pretty in the promo as always. Thank you. But I want to know how your character is going to progress in the show. इन द शो सबसे हाईलाइट मेरे कैरेक्टर का ये है कि द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द हाउस बट फिर भी शादी नहीं होती है, सो दैट्स द कैच ऑफ माई कैरेक्टर्स. क्यों नहीं होती है, दैट्स द बिग, मेरे से छोटे छोटे भाइयों की शादी हो जाती है बट अवनी की शादी नहीं होती, जबकि वो सबसे सुंदर और सर्वगुण बेटी है घर की. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट माई कैरेक्टर जो बहुत जल्द खुल जाएगा. येस ऑफकोर्स, जैसे आपने कहा कि इस शो में 12 लोग हैं, अगर मेरा कैरेक्टर आपको देखना है, मुझे आपको देखना है, ऑफकोर्स आप पूरा शो देखेंगे 7 बजे, बट माई फैंस आई लव यू सो मच. आपने कहा था मैं नेगेटिव ना करूँ, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिया है, सो प्लीज़ वॉच माई शो, प्लीज़ लव मी, एंड ऑफकोर्स आई विल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर यू ऑल, एंड डोंट फर्गेट मी, लव यू सो मच.